नमस्कार दोस्तों, थोड़ी सी बात करेंगे एमएसटी सीएटी 2020 का जो एडिशनल सेशन होगा, एक बार फिर से जो एग्जामिनेशन होगी। जो लोग कुछ कारणों की वजह से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, तो उनके लिए एक बार एक एडिशनल सेशन रखा गया है और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या है उसका एलिजिबिलिटी और ये कब क्या क्या शेड्यूल है, तो चलिए देखेंगे, करते हैं वीडियो में शुरुआत। को मैं बताना चाहता हूँ या जिनको ये पता नहीं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप किस कारण की वजह से, मतलब बारिश हो या फिर कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से हो या फिर कोई बिजली पावर कट इसके वजह से हो जाए, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो एक मौका आपके लिए दिया गया है। तो अब इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन ये एडिशनल सेशन दे सकता है, तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन पहले ही किया था, पूरा एप्लीकेशन उन्होंने भरा था, एग्जाम के लिए उन्होंने हॉल टिकट भी डाउनलोड किया था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि जिन्होंने हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया था उनको ये मौका देंगे या नहीं देंगे, तो मुझे कमेंट्स में बताइए अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी हम बता पाए कि जिन्होंने हॉल टिकट भी डाउनलोड नहीं किया था वो लोग भी फिर यहाँ पे अब अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि जिन्होंने एप्लीकेशन भरा था, एग्जाम के लिए हॉल टिकट भी डाउनलोड किया था, लेकिन ऊपर जो कहा उस कारणों की वजह से, मतलब या तो एग्जाम नहीं दे पाए थे, एक तो ये बहुत भारी बारिश हुई उनके इलाके में, या फिर कोविड-19 के चपेट में वो आ गए, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, दूसरा जो आप सेंटर पर नहीं पहुंच पाए, तो किसी भी ऐसे कारण की वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो आप ये एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज और कल 22 और 23 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। एडिशनल आपको 100 रुपये पेड करने होंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा हर ग्रुप के लिए। अगर आप दोनों के लिए भी जाते तो फिर 200 रुपये आपको पेड करने होंगे। आपने अगर पीसीबी और पीसीएम का ही ग्रुप, इसमें से एक ही ग्रुप के लिए आप जा रहे हो, तो फिर 100 रुपीज़ का आपको एडिशनल पेमेंट करना है। और ये 100 रुपीज़ का जो एडिशनल पेमेंट होगा, जब कैप प्रोसीजर शुरू होगी, कैप के लिए आपको फिर से अप्लाई करना है एक बार, तो उस समय ये फीस को वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, एक मौका है आपके लिए, अगर आप किसी कारणों की वजह से एमएसटी सीईटी नहीं दे पाए थे, तो आपके लिए बहुत ही जल्द, मतलब 23 कल तक, ये 23 तारीख तक आपके फॉर्म लिए जाएंगे, नेक्स्ट अगले 2-3 दिनों में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि 31 के पहले किसी भी हालत में रिजल्ट अनाउंस करना होगा, ताकि 1 तारीख से कैप की प्रोसेस शुरू हो जाए, तभी जो AICTE ने दिया हुआ एकेडमिक सेशन का शेड्यूल है वो हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी होगा, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर आप यहाँ पे जाइएगा। आपको पता है, आप बहुत बार उस यहाँ पे गए या इस लिंक पर क्लिक करके, या फिर या अगर आप पढ़ना चाहते हो नोटिस क्या है, तो यहाँ से आप वो नोटिस पढ़ सकते हैं। आपके पोर्टल पर आप जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आपको पता है आपने फॉर्म भरा है वहाँ पे, तो जस्ट आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना जो अकाउंट है उसे लॉग इन करना है। आपको आपका यहाँ पे लॉग इन आई डी पासवर्ड डाल दीजिएगा, ये कैप्चा यहाँ पे डाल दीजिएगा, और आपका अकाउंट में आप लॉगिन कीजिएगा। जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये स्टैंडर्ड है उनका, एक दो स्टेप आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोसीड पे जाइएगा, आगे जाओगे तो फिर एक बार प्रोसीड पे जाइएगा, और एक बार पूछेगा कन्फर्मेशन, हाँ बोल दीजिएगा उसे, और फिर यहाँ पे उन्होंने दिया है, अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो फिर वो आपको एरर देगा कि आप एलिजिबल नहीं हो एडिशनल सेशन के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया है वो एलिजिबल नहीं है, तो आपको एरर देगा कि आप एलिजिबल नहीं हो। जिन लोगों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया था, तो वो यहाँ पे क्लिक कर आपका आगे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है और पेमेंट के लिए जाना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आगे आपको सिर्फ आपका ग्रुप सेलेक्ट करना है और पेमेंट के लिए जाना है। पेमेंट होने के पेमेंट वहाँ पे आप कर सकते हो, और आप अगर चाहे तो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेफरेंसेस है वो भी आप बदल सकते हो, आपके अनुसार आप एक बार उसमें चेंज कर सकते हो। अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो ये भी आपको बोल देगा कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो दोस्तों, आप अगर चाहे तो ये कर सकते हैं, एक मौका आपके पास है। आप किसी कारणों की वजह से अगर चूक गए थे CET देने के लिए, तो एक मौका, लास्ट मौका आपके पास है, और आप उसे भर सकते, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और अगर कोई आता है अपडेट तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सुबह ही मैं बनाने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं आपको ये अपडेट सुबह नहीं दे पाया, तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू।